हरता श्री गणेशा श्री गणेशा श्री गणेशा। सर्वाधिक शक्तिशाली दुष्कामनाओं का ये बाण अपने कुप्रभाव से किसी भी महानतम आत्मा को भी दूषित कर सकता है। फिर विकट गणेश इस प्रकार निष्क्रिय क्यों है स्वामी? इन्हें नष्ट करने का कोई प्रयास क्यों नहीं कर रहे हैं? बाण तो अत्यंत शक्तिशाली है। ये इतने शक्तिशाली हैं कि गणेश के भीतर की समस्त अच्छाई को नष्ट कर उसमें सर्वाधिक अनुचित कामनाओं को उत्पन्न कर सकते हैं। फिर भी विकट गणेश उन्हें रोकने का कोई उपाय क्यों नहीं कर रहे हैं? अब ये देखने के लिए तत्पर हो जाइए कि मेरे बाण कितने घातक और विनाशकारी हैं। पुत्र गणेश युद्ध क्यों नहीं कर रहा है? इन बाणों को नष्ट क्यों नहीं कर रहा है वो? क्योंकि गणेश को ज्ञात है कि कामासुर द्वारा साधे गए बाण अस्त्र नहीं नकारात्मक काम भावनाएं हैं, जिन्हें अस्त्रों से नष्ट नहीं किया जा सकता। अनुज गणेश शीघ्र ही कुछ करो, रोको इन बाणों को। अनुज यदि तुम इसी प्रकार निष्क्रिय रहे तो मुझे ही हस्तक्षेप करना पड़ेगा तुम्हारे इस युद्ध में। अनुज गणेश, कैसे संभव? रुक जाइए भैया, इन बाणों को नष्ट करना असंभव है। इनका तो बस सामना ही किया जा सकता है। तैयार हो जाइए गणेश जी, अगले 5 क्षणों में ही मेरे ये दुष्कामना के 5 महाबाण आप पर घातक प्रहार कर स्वयं आपके भीतर विकारों को जागृत करेंगे और तब विकार ग्रस्त होने के कारण आप गणेश जी स्वयं इस कामासुर के शत्रु नहीं अपितु मित्र होंगे। इन अंधकारी बाणों का सामना कैसे करेंगे विकट गणेश? गणेश! पुत्र। अब शीघ्र ही अंधकारी कामनाएं स्वयं आपके भीतर जागृत होंगी और उन अंधकारी कामनाओं से स्वयं को सुरक्षित रखना स्वयं आपके लिए भी विकट ही नहीं असंभव होगा। विकट गणेश ने कामासुर के इस विकट प्रहार को विफल कर दिया। अनुज
असंभव, असंभव है ये। मेरे उन बाणों का प्रभाव क्यों नहीं हुआ इन पर? तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर मैं देता हूं कामासुर, क्योंकि गणेश स्वयं परम ब्रह्म है, इसीलिए उन पर किसी भी प्रकार के विकार का कोई भी प्रभाव कैसे संभव है? ब्रह्म रूपाय विष्णु रूपाय नमस्ते, रुद्र रूपाय करि रूपाय ते नमः, विश्व रूप स्वरूपाय नमस्ते, ब्रह्मचारिणे भक्त प्रियाय देवाय नमस्तुभ्यं विनायक। और उसके अतिरिक्त गणेश का बाल सुलभ स्वभाव जो अत्यंत सरल भावनाओं से संपन्न है, निष्कपट एवं निर्मल हृदय बालक, अंधकारी कामनाओं एवं विकारों से सदा मुक्त रहते हैं, इसीलिए जो जीव अपने जीवन काल में बालकों के समान निश्चल रहते हैं वो सदैव दुष्कामनाओं एवं विकारों से सुरक्षित रहते हैं। किंतु अब ऐसा कदापि संभव नहीं, क्योंकि इस कामासुर के विकार समस्त पृथ्वी पर फैलकर वहां के सभी जीवों को प्रभावित करेंगे, फिर चाहे वो बालक हो या वृद्ध ऋषि, देव हो या दानव, सब के सब दुष्कामनाओं से ग्रसित हो जाएंगे। और जब अपने तप के उपरांत हमारे महानायक भंडासुर जी सर्वत्र अपना आधिपत्य स्थापित करेंगे, तब वे मेरी इसी सफलता से प्रभावित होकर मुझे ही अपना सेनापति नियुक्त कर लेंगे। ना भंडासुर की इच्छा पूर्ण होगी और ना ही तुम्हारी कामासुर। विश्वास का भला क्या कारण हो सकता है? महादेव को इनके तप से प्रसन्न कर इन तीनों असुरों ने उनसे अजय होने का वरदान प्राप्त अवश्य कर लिया। मैं अजय हूँ, अजय, आप मुझे पराजित नहीं कर सकते गणेश जी। हम भूल रहे हैं भैया, लोभासुर की भांति कि पिताश्री से अजय रहने का वरदान तो इसे भी प्राप्त है। क्या हुआ, रुक क्यों गए? पुनः प्रयास कीजिए, आपके सभी अस्त्रों के उत्तर हैं मेरे पास, किंतु मेरे कामास्त्र को रोकने का उपाय नहीं है आपके पास। भैया, सृष्टि इसके काम वाष्प से तभी मुक्त होगी जब ये कामासुर स्वयं उस विकार से मुक्त होगा। किंतु गणेश, जिस विकार से इसका जन्म हुआ है उसी विकार से इसे कैसे मुक्त करें हम? कदाचित उसका उपाय भी है मेरे पास भैया। क्या हुआ, युद्ध आरंभ होने से पूर्व ही सारे अस्त्र समाप्त हो गए? यह कामासुर से युद्ध करने का साहस नहीं रहा आपने? भैया, जब तक मैं इसके विकार को नष्ट करने के उपाय के साथ नहीं लौटता, हमें इसे यहीं उलझा कर रखना होगा। अद्भुत है गणेश की लीला। हे
स्वामी, ये गणेश ने दो रूप क्यों धारण कर लिए और ऐसा कर वो क्या करना चाहता है और दूसरा गणेश कहाँ है? मैं यही हूँ मामी जी। प्रणाम मामा जी। प्रणाम मामी जी। पुत्र गणेश, ये कैसी लीला है तुम्हारी? तुम अपने एक स्वरूप में वहाँ कामासुर से युद्ध कर रहे हो और दूसरे स्वरूप में यहाँ उपस्थित हो। क्या तुम्हें पूर्णता से वहाँ उपस्थित रहकर अपनी संपूर्ण शक्ति का प्रयोग कर उस कामासुर को पराजित करने का उपाय नहीं ढूंढना चाहिए? मुझे इस कामासुर को अपने बंधन में बांधकर नहीं रख सकेंगे आप गणेश जी। तिनक तिन धा, आपका कोई भी अस्त्र शस्त्र इस कामासुर को इतनी सी भी क्षति नहीं पहुंचा सकता। ये तो आपको भी ज्ञात होगा मामा जी कि पिताश्री से अजय होने के वरदान के कारण कामासुर को युद्ध में पराजित नहीं किया जा सकता, किंतु उसके कामरूपी विकार अर्थात उसकी शक्ति को अवश्य पराजित किया जा सकता है। उसके लिए ही मैं सहायता प्राप्त करने यहाँ मामा जी के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। किंतु पुत्र गणेश, मैं तुम्हारी सहायता किस प्रकार कर सकता हूँ? प्रभु कृपा कर आप मुझे अपने मोहिनी रूप के दर्शन प्रदान कीजिए। मामा जी, आप मेरा निवेदन सुनकर इतने चकित और स्तब्ध क्यों हो गए? मुझ पर इतनी कृपा कीजिए मामा जी, अपने मोहिनी रूप के दर्शन दीजिए मुझे। इस समय तो पुत्र गणेश का समस्त ध्यान पृथ्वी पर छाए कामासुर के कामारूपी कीट को नष्ट करने पर होना चाहिए, किंतु ये तो वैकुंठ पहुंचकर नारायण के मोहिनी रूप के दर्शन प्राप्त करने की इच्छा प्रकट कर रहे हैं। समय नहीं है हमारे पास, इस कामासुर के विकारों के अंत का उपाय शीघ्र करना होगा हमें। प्रभु, कामासुर के कामरूपी विकार ने सृष्टि को अपने भीतर समाहित करना आरंभ कर दिया है। शीघ्र सभी जीवों पर उसका कुप्रभाव होगा। ऐसा होने से रोकने में मेरी सहायता कीजिए प्रभु, मुझे मोहिनी रूप में अपने दर्शन प्रदान कीजिए। नहीं पुत्र गणेश, पूर्व में जब मैंने मोहिनी रूप धारण किया था तब कामासुर उत्पन्न हुआ था। मुझे चिंता है कहीं। मेरा विश्वास कीजिए मामा जी, आपकी चिंता का कोई कारण नहीं, किंतु अब इस महासंकट को रोकने हेतु मेरे पास अधिक समय नहीं है, इसलिए मुझ पर ये कृपा कीजिए, मेरी सहायता कीजिए मामा जी।
जिस स्वरूप से स्वयं महादेव भी मोहित हो गए थे, उस रूप के समक्ष गणेश जी कैसे स्थित रह पाएंगे? प्रणाम माता। माता, आप तो मेरी माता माँ पार्वती के समान अत्यंत सौंदर्य संपन्न और ममतामयी हैं। पुत्र गणेश, तुम्हारे उदाहरण से संसार को एक बड़ी सीख लेनी चाहिए। पर स्त्री को माता समान सम्मान देना ही सर्वथा उचित और धर्म के अनुरूप है। तुम्हारे श्रेष्ठ आचरण से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ गणेश। कहो, तुम्हें अपनी इस माता से क्या सहायता चाहिए? माता, काम विकार के साथ कामासुर के जन्म के पीछे आपका ही यह स्वरूप था, इसलिए अब उसके विकार का अंत भी आप ही कर सकती हैं माता। अनिच्छा से मैं उस विकार के जन्म का कारण बनी और अब वो कामासुर में परिवर्तित हो चुका है, और अब मैं वो उपाय प्रस्तुत करूंगी जो काम के विकार को नष्ट भी करेगा। गणेश जी, जब आप और हम एक दूसरे को पराजित कर ही नहीं सकते, तो क्या अर्थ है इस अंतहीन युद्ध करने का? जिस प्रकार कामासुर का काम विकार इस अधिकांश पृथ्वी को निगल गया है, ठीक उसी प्रकार क्यों ना मैं भी आपको निगल जाऊं। मयूर संयम के प्रतीक हैं, तो ये चंपा पुष्प पवित्रता के। इन्हीं पवित्र पुष्पों के स्पर्श से कामासुर का विकार नष्ट होगा। हाँ माता। सुर, अब तुम्हारे साथ संपूर्ण सृष्टि से काम विकार के मिटने का समय आ गया है। मेरा विकार तुम दोनों के भीतर प्रवेश नहीं कर सकता, तुमने कहा था ना, उचित है। किंतु मैं तुम दोनों को अपना आहार बनाकर तुम्हें अपने भीतर समाहित तो कर सकता हूं ना। अंततः गणेश इसके काम को पराजित करने का उपाय ढूंढ ही लाया है। कर लीजिए आपकी लीला गणेश जी, किंतु अब आपकी किसी भी लीला का कोई भी प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि अब पृथ्वी एक ऐसी विकट अवस्था में पहुंच चुकी है जहां से स्वयं
विकट गणेश जी भी उसकी रक्षा नहीं कर सकते। ज्ञान इंद्रियां सभी व्यक्ति के पास होती हैं, किंतु वे सुप्तावस्था में होने के कारण हम अनेक प्रकार के विकारों से सदा ही ग्रसित होते रहते हैं। कोई नहीं रोक सका इस समस्त संसार में कामासुर को। अब कामासुर के इस विकट प्रभाव का नष्ट होना ही उचित है।